गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बता रहा आप लोगों को मार्जिन सीएसएस में, गाइस मैं बता रहा आप लोगों को मार्जिन, ये मैंने दे दिया एचटीएमएल, एचटीएमएल मैंने कर दिया, ये मैंने दे दिया एचटीएमएल। गाइस ये रहा मैंने डिवीजन मैंने दे दिया, इस पर मैं ए मैं कर दिया डिवीजन, मैंने मेन दे दिया, एच ओ मैंने ऐसे मैं दे दिया हूँ, कस्केडिंग स्टाइल सेट मैंने कर दिया हूँ, सीएसएस मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आर्टिकल मैंने यहाँ पे कर दिया, आर्टिकल मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, आर्टिकल के अंदर मैंने पैराग्राफ कर दिया, पैराग्राफ यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया हूँ। गाइड में आर्टिकल के अंदर मैंने पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया हूँ। डिविजन को भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया हूँ, ए मैं दे दिया हूँ सीएसएस। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, यहाँ पे कर्नी ब्रैकेट देकर मैंने बॉडी के अंदर मैंने दे दिया हूँ। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल मैंने कर दिया हूँ, ये मैंने इतना मैंने कर दिया हूँ मार्जिन, ये मैंने ऑटो मैंने इतना पिक्सल कर दिया हूँ। मेन मैंने दे दिया, विड्थ मैंने इतना कर दिया हूँ पिक्सल, मार्जिन इतना 40 पिक्सल ऑटो मैंने कर दिया हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड मैंने कर दिया हूँ। फिर यहाँ पर मैंने आर्टिकल दे दिया हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू मैंने कर दिया हूँ। मार्जिन 50 पिक्सल 30 पिक्सल ये मैंने दे दिया हूँ, इस तरीके मैं दे दिया हूँ। ये 50 मैंने टॉप से टॉप हो गया, ये लेफ्ट लाइट हो गया, ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया, इस तरीके मैंने दे दिया हूँ। मार्जिन इतना मैंने कर दिया, ये मेरा इरा मेरा सी एस एस। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरीके मेरा ये प्रोग्राम मेरा शो हो रहा है, रन कर रहा है। मैंने डबल क्लिक कर दिया इस पर, मेरा इस तरीके का प्रोग्राम मेरा रन कर रहा है, कस्केडिंग स्टाइल शीट, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। ये मार्जिन टॉप से, ये मार्जिन टॉप की है, मेरा टॉप से इतना है, ए रहा बॉटम, ए रहा लेफ्ट, ए रहा राइट, मार्जिन लेफ्ट, ए रहा मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, नीचे वाले को बॉटम बोलते हैं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप से इतना है मेरा, इस तरीके का मेरा शो हो रहा है। गाइस मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं एक एक आपको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। गाइस मैं यहाँ पे दे दिया हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू मैंने कर दिया, मार्जिन टॉप से मैंने कर दिया हूँ 50 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से भी मैंने कर दिया है 50 पिक्सल, मार्जिन राइट से मैंने कर दिया 40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से मैंने 10 पिक्सल मैंने कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने किया कंट्रोल है, कंट्रोल है, मैं इसको इतना इसको मैंने सेव कर लिया। फिर मैंने आया यहाँ पे, इसको भी मैंने कंट्रोल है, कंट्रोल है, मैंने सेव कर लिया। फिर मैं चल कर देखता हूँ मेरा किस तरीके से हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश किया, मार्जिन मेरा टॉप से मेरा 50 पिक्सल मेरा इस पर शो हो रहा है, बॉटम से भी मेरा 50 पिक्सल शो हो रहा है, लेफ्ट से 10 पिक्सल मेरा शो हो रहा है, ये रहा 10 पिक्सल, राइट से मेरा 40 पिक्सल शो हो रहा है, इस तरीके मेरा 40 पिक्सल ये मेरा है शो हो रहा है। ये रहा मेरा 50 पिक्सल टॉप से, बॉटम से मेरा 50 पिक्सल, लेफ्ट से मेरा 10 पिक्सल है, ये मेरा राइट से भी 40 पिक्सल है, इसमें मैंने दे दिया हूँ यहाँ पे। मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से 50 पिक्सल, मार्जिन राइट से 40 पिक्सल, तो मेरा राइट से 40 पिक्सल दिख रहा है, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल है मेरा, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल, तो मेरा मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल शो हो रहा है इस तरीके का। गाइस मैंने यहाँ इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, यहाँ मार्जिन मैंने टॉप को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं किया कंट्रोल है, कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश किया, तो मेरा चारों तरफ से टॉप से लेफ्ट राइट बॉटम से मेरा 50 पिक्सल मेरा मार्जिन शो हो रहा है इस तरीके का।
मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल हटा दिया, यहाँ मैंने कर दिया 30 पिक्सल। कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, ये मैंने टॉप से मैंने कर दिया 50 पिक्सल, इधर से लेफ्ट राइट ऐसे इधर से मैंने कर दिया 30 पिक्सल। यहाँ पे मैं दे दिया 50 पिक्सल 30 पिक्सल, तो मेरा टॉप से और बॉटम से 50 पिक्सल अपने आप को शो होगा, ले लेगा अपने आप शो होगा इस तरीके का। 50 पिक्सल मेरा टॉप से या बॉटम से मेरा शो होगा, 30 पिक्सल मेरा लेफ्ट से राइट से शो होगा इस तरीके का। गाइज मैंने इस तरीके में दे दिया हूँ, टॉप से इतना पिक्सल, बॉटम से इतना पिक्सल, तो ऐसे मैं 100 तरीके में मैं इसको दे देता हूँ मेरा। गाइज मैं यहाँ पे दे दिया मार्जिन मैंने कर दिया टॉप से 50 पिक्सल, बॉटम से मैंने कर दिया हूँ 40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट मैंने कर दिया हूँ, मार्जिन लेफ्ट से मैंने कर दिया हूँ, राइट से मैंने कर दिया हूँ 30 पिक्सल, लेफ्ट से मैंने कर दिया हूँ 10 पिक्सल। अब मैंने किया इसको कंट्रोल, कंट्रोल इस, मैं यहाँ पे इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मेरा इस तरीके से हो रहा है। ऊपर टॉप से मेरा 50 पिक्सल, नीचे बॉटम से मेरा 40 पिक्सल, राइट से मेरा मार्जिन राइट से मेरा 30 पिक्सल, लेफ्ट से मेरा 10 पिक्सल शो हो रहा है इस तरीके का। गाइज मैं ये सब को मैंने हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने किया 50 पिक्सल, कंट्रोल कंट्रोल एस, 50 पिक्सल मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मेरा चारों तरफ से मेरा 50 पिक्सल कवर कर रहा है, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से मेरा चारों तरफ से 50 पिक्सल कवर कर रहा है। गाइज मैंने यहाँ पे मैंने H1 के लास्ट नीचे मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया हूँ, इमेज SRC फोल्डर के अपने नाम दे दिया है, इमेज नाम से मेरा फोल्डर है ये, मैंने इमेज की IMG में .jpg इमेज की नाम है मेरा, JPG है इमेज मेरा, इस तरीके मैं दे दिया हूँ। अब मैंने किया कंट्रोल कंट्रोल इस, ये लिंक में मैंने margin.css की मैंने फाइल बनाया है, जो मेरा ये रहा margin.css की मेरा, मैं आपको तो दिखा दिया हूँ फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, इसमें मैंने लिंक कर दिया हूँ। अब मैं आया यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मेरा इस तरीके का शो हो रहा है, इस तरीके का शो हो रहा है, नीचे कंटेंट आ रहा है, ऊपर इमेज आ रहा है, ये रहा मेरा इस तरीके का ये शो हो रहा है। एक मैं सेकेंड वे मैंने मैं margin.css मैंने फाइल बनाया, ये सेकेंड मैं फाइल बनाया है css की, margin 0 पिक्सल, बॉडी में मैंने फॉन्ट साइज 25 पिक्सल मैंने कर दिया, ये मैंने इतना मैं कर दिया, विड्थ मैंने कर दिया, मार्जिन मैंने इतना पिक्सल ऑटो मैंने कर दिया, मेन में मैंने विड्थ इतना परसेंट मैं कर दिया, फ्लूट्स में मैं लेफ्ट कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, मेन इमेज मैंने कर दिया, विड्थ मैंने 55 पिक्सल मैंने 500 पिक्सल मैंने कर दिया, फ्रूट लेफ्ट मैंने कर दिया, मार्जिन इतने इतने पिक्सल मैंने दे दिया, मेन में मैंने H1 मैंने दे दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर में मैंने कर दिया, मार्जिन टॉप से इतना पिक्सल मेरा है, आर्टिकल है ये मेरा, बॉर्डर 30 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर है, मार्जिन मैंने 25 पिक्सल दे दिया, विड्थ मैंने इतना कर दिया, फ्रूट लेफ्ट कर दिया, ये मेरा CSS की रहा, margin2.css की मेरा फाइल है, ये मैं CSS की बताया था, margin.css मैं बताया था आपको लिंक करके, मैं margin2.css मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कर दिया 2,
अब मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल एस, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश किया तो मेरा ये इस तरीके से हो रहा है ऊपर। ये मेरा बॉर्डर रेड कलर में आ रहा है, ये इमेज रहा, ये एच वन रहा हेडिंग कस्कडिंग स्टाइल शीट, ये रहा मेरा, ये मेरा ब्लू कलर में बॉर्डर आ रहा है अंदर की, ये रेड कलर के, ये रहा इसमें, ये रहा पैराग्राफ मैंने दे दिया था वो मेरा इस तरीके से हो रहा है। ये रहा मार्जिन मेरा। मेरा वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा।